मनसे के ठाणे और पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप भी काफी वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में अविनाश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। मनसे ठाणे शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे ने ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की है। अविनाश यादव ने मुंब्रा के पहाड़ी से लगकर बने दरगाह पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद दरगाह ट्रस्टियों से वन विभाग ने पूछताछ भी की थी। उसके बाद सोशल मीडिया में ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये बच नहीं पाएंगे का जिक्र है। मनसे नेताओं ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी की है। पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे क्या पूरा ये मामला है? माननीय राजसाहब की सभा गुड़ी पड़वा में हुई थी और वो सभा में सामने बोला था, समुन्द्र में भी और सांगली ये जगह पे मस्जिदों का काम जोरों शोरों से चालू था। तो ये इतना समुन्द्र में मेन रोड के बगल में हो रहा है, समुन्द्र में हो रहा है और प्रशासन का ध्यान नहीं था। तो साहब ने बोलने के बाद वो दोनों जगह पे वो जो मस्जिद थी वो पूरी तोड़ दी गई, क्योंकि वो अनऑथराइज थी। तो जैसे ही हम थाना में मुमरा देवी करके है, बहुत पुरातन देवी है, सब मानते हैं, वो देवी के गेट के बगल में ही आजू बाजू में मस्जिद है और वो जगह है वो फॉरेस्ट की है। तो हम लोग चाहते थे कि अगर फॉरेस्ट की जगह है तो फॉरेस्ट की जगह पे ये अनलीगल जो काम है वो हटा दो, अगर आपको वो टाइम नहीं है तो हम भी उधर मंदिर बनाएंगे, ऐसा हम लोगों ने बोला था। तो कलेक्टर साहब ने आंधी लोग भेजे, सर्वे किया, तो अभी वो मुमरा साइड में ऐसा हमको समझ में आया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो लोग बोल रहे कि अविनाश यादव साहब को जान से मार डालेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वीडियो वायरल हुआ। तो हम लोग अभी पुलिस स्टेशन आए थे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वो लोग का किया है, किसने किया मालूम नहीं, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हम ये ऐसे भपकी ये धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन की तो मांग की है। अविनाश यादव साहब को तो पहला प्रोटेक्शन था, अभी निकाला गया था, उनका जो गन है उसका भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, वो भी नहीं हो रहा है। जान की फिक्र सबको है, उनका परिवार भी है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग ने अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धुमाल साहब से बात की, DCP साहब हमारे गणेश गावड़े साहब है, उनके साथ भी मैंने बात की, तो साहब